बट रियल प्रोग्रामिंग या फिर मतलब रेगुलरली जो बोलते हैं वो फिफ्थ सेम से शुरू किया था एक्चुअली, मैं एंड मेरा फ्रेंड था रिक्वे, सो हम दोनों ने साथ में ही शुरू किया, मतलब एज ए जैसे कोई बड़ी होता है ना साथ में तो काफ़ी सही रहता है। सी एन की भी हेल्प ली बीच में, यहाँ का हमने मतलब सी एन से हमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स किया था साथ में। मोस्टली मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज मिली वो लिंक्डइन के थ्रू ही मिली, सो लाइक फॉर डनजो ऑल्सो लाइक आई गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम लिंक्डइन, सो वन ऑफ द रिक्रूटर कॉन्टैक्ट मी देयर एंड आई लाइक गिव द टेस्ट देन ऑन साइट एग्जाम्स ये सब दिए इंटरव्यूज दिए और उसके बाद वो क्रैक हो गया। Hi everyone, this is Ankush and welcome again to Coding Ninjas. So yaar, we have an amazing guest with us today on this series. We have Suresh Upadhyay with us. Suresh is currently working at Google. He graduated from Ajay Kumar Garg College of Engineering back in 2019, which was not that too that was not too back as well. Do saal hi hue college se nikle hue and बढ़िया कर रहा है भाई एकदम, है ना। उसके बाद बेसिकली वाज एट सैमसंग फॉर सम टाइम, अमेज़न में जॉब निकाल ली, डंजो में जॉब निकाल ली, अब गूगल में निकाल ली है, नाउ इज गुरु। सो जानते हैं अच्छे से राइट, लाइक कि गूगल में भी स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो लेट्स गेट टू नो ऑल ऑफ दैट फ्रॉम सुरेश, लाइक अंडरस्टैंड क्या क्या किया, कैसे सीखा, वट ऑल वर्कड फॉर हिम, एंड होपफुली हम सबको कुछ सीखने को मिलेगा फ्रॉम दिस एंड ऑल्सो होपफुली बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर मेहनत करेंगे तो गूगल टाइप जगह पे पहुंच सकते हैं मेहनत करके, राइट। सो हाय सुरेश, वेलकम टू द चैनल। हाय अंकुश, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस सीरीज एंड या एब्सोल्युटली। सो परफेक्ट मैन, बताओ थोड़ा सा यार। सो बेसिकली कॉलेज बिफोर एनीथिंग एल्स राइट, लाइक लेट्स टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग शुरू कब करी हमने, मतलब लाइक हम कॉलेज में गए तो 2015 में, तो क्या पहले से आती थी प्रोग्रामिंग या कॉलेज में जाने के बाद कुछ शुरू किया, क्या कब शुरू की हमने बेसिक प्रोग्रामिंग, कब शुरू की बेसिकली? मतलब प्रोग्रामिंग पहले तो नहीं आती थी, मतलब 12th तक तो नहीं था, सो स्टार्टिंग में तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लाइक फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम में तो मतलब C++ इंट्रोड्यूस हुआ था तो वहाँ पे तो मतलब क्या ही था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे शुरू किया खुद से ही, हैकरैंक में से मैं प्रैक्टिस करना शुरू किया, बट रियल प्रोग्रामिंग या फिर मतलब रेगुलरली जो बोलते हैं वो फिफ्थ सेम से शुरू किया था एक्चुअली, मैं एंड मेरा फ्रेंड था रिक्वे, सो हम दोनों ने साथ में ही शुरू किया, मतलब एज ए जैसे कोई बड़ी होता है ना साथ में तो काफ़ी सही रहता है, तो हम दोनों ने शुरू किया, सारी चीज़ें सीखी, सी एन की भी हेल्प ली बीच में, यहाँ का हमने मतलब सी एन से हमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स किया था साथ में, सो वहाँ से प्रैक्टिस किया। उसके बाद फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे कोड शेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, तो इसमें प्रैक्टिस करते थे काफ़ी, और क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करते थे एंड कॉन्टेस्ट देते थे, और फिर कॉन्टेस्ट के टाइम पे कोई क्वेश्चन नहीं होता था फिर उसको सॉल्व करते थे, तो मोस्टली ऐसी शुरू हुई जर्नी प्योरली, लाइक फिफ्थ सेम्थ के बाद ही हम लोगों ने काफ़ी अपना टाइम पुट ऑन किया इस पर एंड या तो इस तरह से हुआ। उसके बाद यही थी मतलब छोटी सी, वो भी media.net में, वो भी media.net में। अरे वाह, सही है, बहुत ही बढ़िया है, सही है। सो सीम्स लाइक एंड आई एम गेसिंग नॉट, कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा कोडिंग कल्चर था क्या, कि मतलब बहुत सारे लोग एक्चुअली नहीं, मतलब कॉलेज में मोस्टली डेवलपमेंट वाला था आई गेस, मतलब मैं और मेरा फ्रेंड ही था जिन्होंने मतलब थोड़ा स्टार्ट किया फर्स्ट, मतलब हम दोनों ही थे तो इसलिए मतलब बड़ी होने का काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो हम दोनों ने शुरू किया एक तरह से, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने किया सीखा। उसके बाद लास्ट ईयर में हम लोगों ने थोड़ा कल्चर के लिए भी एक क्लब स्टार्ट किया अपने कॉलेज में खुद से ही, प्रोग्रामिंग क्लब काइंड ऑफ, जिसमें हम लोग जूनियर्स को थोड़ा प्रोग्रामिंग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इन सब का मतलब इंट्रोडक्शन देते थे एंड वहाँ से स्टार्ट किया था। तो या एज सच कोई ऐसा मेजर कल्चर नहीं था मतलब प्रोग्रामिंग का स्पेशली, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है कल्चर, बट या प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कल्चर नहीं था। ओके ठीक है। सो सीम्स लाइक हमने पहले 2 साल में उतना प्रोग्रेस नहीं किया, बट लाइक बाय द टाइम वी रीच फिफ्थ सेमेस्टर तो हमने बेसिकली
अच्छे से करना शुरू किया फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस एंड आई एम ग्लैड सीएन से सीएन में भी थोड़ा थोड़ा बहुत हेल्प किया. आई एम ग्लैड दैट उसे कुछ तो हेल्प हुआ तुम्हें. सो आई रियली हैप्पी टू हेयर दैट. सही है. सो लाइक बट गिवन दैट जहाँ से तुम थे लाइक इन योर कॉलेज आई एम अज्यूमिंग सारी बहुत अच्छी कंपनी शायद नहीं आती होंगी फॉर प्लेसमेंट्स. सो अब हमने तुमने सीख तो लिया इतना कुछ थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग. हमने कॉपरेटिव प्रोग्रामिंग भी सीख लिया. हमने कोड शेयर पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. हमने वो सब कर लिया. बट एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या किया हमने लाइक व्हेन डिड यू लाइक हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ गेट दोज अपॉर्चुनिटीज. इंटरव्यूज के लिए हमने क्या किया. तो जो मेरी फर्स्ट जॉब थी सैमसंग तो वो तो पूल कैंपस में था. तो बेसिकली जेपी कॉलेज है वहाँ पे पूल कैंपस था. तो मैं वहीं गया था और फिर वहाँ पे हम लोग मतलब वो वहाँ पे इंटरव्यूज दिए और वो क्रैक हो गया. तो मेरी फर्स्ट जो प्रोफेशनल जर्नी कह सकते हैं वो सैमसंग से स्टार्ट हुई. सो वहाँ पे मैंने लगभग 1.5 ईयर्स काम किया. टू पोस्ट दैट लाइक आई गॉट अपॉर्चुनिटी मोस्टली मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज मिली वो लिंक्डइन के थ्रू ही मिली. सो लाइक फॉर डनजो ऑल्सो लाइक आई गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम लिंक्डइन. सो वन ऑफ द रिक्रूटर कॉन्टैक्ट मी देयर एंड आई लाइक गिव द टेस्ट देन ऑन साइट एग्जाम्स ये सब दिए इंटरव्यूज दिए और उसके बाद वो क्रैक हो गया. एंड फॉर लाइक अमेजोन ऑल्सो लाइक आई कॉन्टैक्ट टू वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ अमेजोन एंड ही रेफर्ड मी एंड या देन आई गेव लाइक ऑन साइट एग्जाम एंड होपफुली लाइक लकीली वो भी क्लियर हो गया. फॉर गूगल स्पेसिफिक लाइक रिक्रूटर कॉन्टैक्ट मी ऑन लिंक्डइन. सो ही मैसेज मी लाइक वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू लाइक प्लीज शेयर योर email id and phone number so we can have chat and we can start the process. So maine share kar diya fir agle din unka call aa gaya then uske baad fir unhone on site plan kar diya fir main deta matlab waisi jaise jaise opportunity milti gayi main deta chala gaya and sab kuch matlab hota gaya bas yahi hai choti si journey hai. नहीं बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया. सो गूगल पे आएंगे राइट लाइक गूगल के बारे में अच्छे से बात करेंगे. बट मुझे पहले तो बताओ कि जैसे हमने वो पूल कैंपस सैमसंग निकाला राइट लाइक सो और काफ़ी सारी जगह पे अप्लाई किया होगा उस टाइम पे लाइक कोई इंटरेस्ट लाइक हाउ मेनी कंपनीज डिड यू गेट रिजेक्टेड फ्रॉम बिफोर यू सॉर्ट ऑफ गॉट इनटू सैमसंग व्हिच इज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क एज वेल राइट लाइक सैमसंग में जाने से पहले लाइक मेरे को मोस्टली एक रिजेक्शन जो मिला था वो था अमेजोन से ही मिला था. लाइक 2019 में उनका हैकर में कुछ हायरिंग चल रहा था तो जो हैकर एक्टर टेस्ट तो मैंने दे दिया था एंड शॉर्टलिस्ट भी हो गया था. फिर गुड़गांव ऑफिस में उनका इंटरव्यू था तो आई गेस मैं थर्ड राउंड से वहाँ रिजेक्ट हो गया था. सो या वहाँ पर मतलब कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा था एंड मैं टाइम पर उसको कम्प्लीट नहीं कर पाया था तो वो एक रिजेक्शन मिला था. मतलब बिफोर कॉल मतलब बिफोर लाइक जॉइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन तो अमेजोन एक रिजेक्शन था एंड देर वॉज ए कंपनी USG यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप फॉर्च्यून 500 कंपनी. तो उसमें भी रिजेक्शन हुआ था मेरा. बाकी वही जैसे इन्फोसिस हो गया TCS हो गया बॉश हो गया तो इन सब के ऑफर थे मेरे पास मतलब बिफोर चूजिंग सैमसंग. Sure, absolutely, right? So, makes sense. So, मुझे आप चलो गूगल पे आते हैं राइट लाइक सो यू हैव सॉर्ट ऑफ गॉन थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ सैमसंग देन यू वेंट थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ डनजो अमेजोन नाउ गूगल. सो क्या डिफरेंस देखा है तुमने लाइक इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस गूगल का इंटरव्यू प्रोसेस कंपेयर टू अदर्स कितना डिफरेंस है कैसा रहता है क्या फीलिंग है उसके अराउंड. मतलब क्वेश्चन लाइक नए होते हैं ऑब्वियसली बट साथ के साथ वो काफ़ी चीज़ों पे और फोकस करते हैं. जैसे आप कोड कैसे लिख रहे हो यूनिट टेस्ट के बारे में कैसे सोच रहे हो एच केसेस के बारे में कैसे सोच रहे हो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो एंड लाइक कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हो क्वेश्चन. तो ये सारे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं जब वो जज कर रहे होते हैं आपको. तो इन सब में ध्यान देना होता है बस मेजरली. एंड क्वेश्चन भी लाइक ऐसा नहीं कि एकदम ईजी होते हैं लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चन होते हैं. एंड टॉपिक कुछ फिक्स नहीं है कि ये DP से ही पूछेंगे या ग्राफ से ही पूछेंगे वो कुछ भी पूछ सकते हैं. लाइक टैग भी आ सकता है आपके सेट में क्यू भी आ सकता है कुछ ग्राफ भी हो सकता है ट्राई भी हो सकता है. तो ये एक चीज़ होती है कि लाइक काफ़ी बड़ा पूल है तो मतलब ये है और प्लस जो ये फैक्टर्स हैं कि टाइम एंड कैसे अप्रोच कर रहे हो क्वेश्चंस को ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है उनके पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में. ऊपर से रिग्रेस तो होता ही है लाइक आप 4 कोडिंग राउंड जाते हो एक गूगली में ऐसे बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन एंड लाइक इट टुक लाइक 2-3 मंथ्स टू कंप्लीट वन प्रोसेस लाइक
अगर आपने कोडिंग भी अच्छे से कर दिया, मतलब सब कुछ कर दिया, फिर हायरिंग कमिटी में जाता है, टीम मैचिंग, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। राइट एंड ज़्यादा रिग्रेस होता है क्या कंपेयर टू अमेज़न या सैमसंग का जो प्रोसेस था, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रिग्रेस है? लाइक सैमसंग या फिर अमेज़न में तो जो प्रोसेस था वो लाइक 2 हफ्ते में ख़त्म हो गया था सारा, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम ओ ए टू लाइक गेटिंग फाइनल रिजल्ट। बट अमेज़न सॉरी गूगल टेक लाइक 2 मंथ्स, अराउंड 2 मंथ्स। तो या उस पूरे टाइम पे फिर वही चलता रहता है कि होगा नहीं होगा, ये राउंड अच्छा दिया गलत दिया कैसा दिया, तो वही सब चलता रहता है दिमाग में। ओके चलो थोड़ा सा बताओ गूगल के बारे में। राइट लाइक सो रिक्रूटर ने हमें कॉन्टैक्ट किया, हमने बोल दिया कि चलो करते हैं, तो क्या प्रोसेस था थोड़ा सा और डेप्थ में बताओ कि क्या इंटरव्यूज में क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस थे, या फिर बेसिकली हमारे कोडिंग टेस्ट था या नहीं था, थोड़ा सा और बताओ अपने इस प्रोसेस के बारे में। तो बेसिकली जब रिक्रूटर ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था तो उस टाइम पे मैं डंजो पे नोटिस पीरियड में था, तो जब हमारी चैट हुई तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं जो फ़ोन इंटरव्यू वो स्किप कर देते क्योंकि प्रोसेस थोड़ा फास्ट करते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हुआ, तो डायरेक्टली उन्होंने ऑन साइट के लिए रख दिया। तो उन्होंने 2 वीक का प्रिपरेशन टाइम दिया कि 2 वीक में प्रिपेयर करो और उसके बाद क्या बोलते हैं ऑन साइट सेट करते हैं। तो आफ्टर 2 वीक उन्होंने ऑन साइट सेट किए। तो बेसिकली इस तरह से था कि फर्स्ट 3 राउंड होंगे, पहले कोडिंग 1, कोडिंग 2, कोडिंग 3। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसाइड करेंगे कि कोडिंग 4 और गूगल ने लेना है कि नहीं लेना। फिर उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि हायरिंग मैनेजर में जाएगा कि नहीं जाएगा, हायरिंग कमिटी में जाएगा कि नहीं जाएगा आपका पैकेज। तो फर्स्ट 3 राउंड दिए, तो फर्स्ट राउंड लाइक बेसिकली बाइनरी सर्च का क्वेश्चन था और उससे फॉलो अप। राउंड 2 में क्या बोलते हैं स्टार्ट विथ सिंपल कोई एरे बेस्ड क्वेश्चन था, फिर मतलब वो कि क्विकली आंसर देना है। उसके बाद फिर डीपी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उसके 3 फॉलो अप पूछे उन्होंने। राउंड 3 इज मोर लाइक ग्राफ, ग्राफ का एक क्वेश्चन था, तो फिर वो किया, मतलब उसमें राउंड 3 में फॉलो अप नहीं था, एक पहले स्टार्टिंग में एक बेसिक क्वेश्चन था और उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन आया तो ग्राफ का, फिर वो दिया। और इन राउंड 4 में क्या बोलते हैं बेसिकली एक क्वेश्चन था डीपी का था वो वैसे तो, बट इट्स लाइक आपको थोड़ा मैथमेटिकल मतलब एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी था जो मैंने सॉल्यूशन दिया, वो समथिंग लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिलेटेड था, तो लाइक PNC के थ्रू उसको सॉल्व करना था। उसके बाद फिर गूगलीनेस हुआ, उसमें मोस्टली आपके बिहेवियर क्वेश्चंस होते हैं या फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए कि क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, या फिर अगर लेट्स से इस सिचुएशंस में हो आप तो क्या डिसीजन मेकिंग लोगे, इस तरह के क्वेश्चंस हुए। तो या फर्स्ट 3 राउंड के बाद लाइक 1 या 2 हफ्ते का गैप था, लाइक फर्स्ट 3 राउंड दिए, फिर रिक्रूटर ने मुझे 1 हफ्ते बाद बताया कि ऑल गुड, तो हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं 4th एंड 5th राउंड के लिए। तो 4th और 5th राउंड एक ही दिन शेड्यूल हुआ। फर्स्ट 3 राउंड लाइक सिंगल डे पे थे, लाइक टुडे राउंड 1, टुमारो सेकंड, राउंड 2 डे आफ्टर टुमारो 3rd राउंड, एंड राउंड 4 एंड 5 सिंगल डे पे ही थे। लाइक गूगलीनेस लाइक फर्स्ट राउंड 4 इज फ्रॉम 2 to 3 एंड राउंड 5 इज 3:15 to 4 समथिंग लाइक दिस। फिर उसके बाद जब राउंड 5 हुआ उसके बाद एक हफ्ते बाद उन्होंने बताया कि सब कुछ सही है, SC में पैकेज भेज रहे हैं। उससे पहले फिर टीम मैचिंग हुई थी, मतलब टीम मैचिंग। सो कौन सी टीम मिली हमें अभी? गूगल एड्स से। ओके, एडवर्टाइजमेंट। सही है। बनाओ गूगल के लिए बहुत सारा पैसा कमाओ। बाकी टीम्स तो उड़ा रही है, तुम्हारी टीम ही कमा रही है। सही है, बहुत ही सही। परफेक्ट मैन, मेरे को तो बहुत ही सही लगता है यार ऐसी स्टोरीज देख के कि कॉलेज जो था जैसा था हमने उस पर खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ अपनी लिमिट को उस पर नहीं रखा और हमने बेसिकली डिसाइड किया कि यार अब तैयारी तो करनी है, अच्छे से पढ़ना है ना, और उसके लिए बेसिकली हमारे पास जो रिसोर्सेज थे हमने उनको अच्छे से यूज़ किया। एक बड़ी मिल गया, उन्होंने साथ में मिल के बहुत सारा सीखा, फिर कैंपस प्लेसमेंट की जगह पूल कैंपस की फाइट मारी और फिर उसके बाद लिंक्डइन को यूज़ करके वी सॉर्ट ऑफ गॉट टू अ मच बेटर प्लेस विच वेयर वी सॉर्ट ऑफ वॉन्टेड टू गेट टू। सो बहुत ही सही है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। फिर से मैं हर बार यही बोलने की कोशिश करता हूँ कि देखो वॉट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि ब्रांच क्या है, कॉलेज क्या है, ये सब कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज कि तुम सीखना चाहते हो अच्छे से कि नहीं सीखना चाहते हो। थैंक यू सो मच सुरेश, दिस वॉज रियली 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 इंसाइटफुल, रियली हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी एंड वो ढंग से पढ़ाई करेंगे, अब सीखेंगे अच्छे से।
राइट, थैंक यू सो मच।